पकड़ो से। रुको, तुम स्पीड लिमिट को पार कर रहे हो, चलो गाड़ी से बाहर निकलो। रेडी? खड़े हो जाओ बर्ट मायर। देखो, ये एक नई ट्रेनी है, कैडेट कॉनी क्रैंडल। मैं इसे अपने दो सबसे अच्छे ऑफिसर से मिलवाना चाहता हूँ। थैंक्स। पर वो बाहर गए, इसलिए तुम दोनों से काम चलाना होगा। अब चूंकि ये कैप्टन की बेटी है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसे बाकी ट्रेनी से कुछ अलग समझोगे। स्कालोविच। बल्क मायर, मुझे इस टीम में आने की खुशी है। चलो जल्दी करो। बस मायर, स्कालोविच, मुझे टीम में आने की खुशी है। कितनी अजीब लड़की है। क्या कहा तूने? मैंने कहा कितनी भली और अच्छी लड़की है। फिर आ गई। चल पकड़ रहे उसे। मुझसे तो इंतजार ही नहीं हो रहा, ये डांस कमाल का होने वाला है। मुझे अब भी नहीं पता कि मैं क्या पहनूंगा। थीम भी तो बड़ी अजीब सी रखी हुई है, उस जमाने के कपड़े पहने हैं जब हम थे ही नहीं। तुम कुछ ना कुछ सोच लोगे यार। तो ये तुम्हारी गाड़ी है? हाँ हाँ, अच्छी है ना, मैं बस इसे टेस्ट कर रहा था। अच्छा, तो अब इसे टेस्ट करो। चलो भी दोस्तों, मुझे बस इसे डोनेट करने से पहले देखना था ये चलती है या नहीं। मतलब ये चैरिटी के लिए है? हाँ, आज रात डांस में आने के लिए एक खिलौना देना होगा जिसे डोनेट कर दिया जाएगा। चैरिटी? मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप सबने वो सुना, उन घटिया इंसानों को नए खिलौने मिल रहे हैं। तो क्या, मुझे भी एक नया खिलौना चाहिए, अभी अभी अभी। तुम तो पहले ही सलाह के आधे कॉग्स तोड़ चुके हो स्प्रॉकेट। हाँ, और जब हमने तुम्हें वो बेहतरीन न्यूक्लियर रिएक्टर दिया था तो तुम सिर्फ उस बक्से से खेले थे। वो खिलौना बेकार था, मुझे कच्चा खिलौना चाहिए, वो भी अभी। ठीक है, तुम्हारा रोना मुझे सिर दर्द दे रहा है। अगर तुम वादा करते हो कि तुम बहुत बुरे बच्चे बनोगे तो मैं तुम्हें एक नया खिलौना दूंगा। तुम्हें आखिर हुआ क्या है? वो जो लड़की है ना, वो कितनी खूबसूरत है, मैं उसे अपने दिमाग से निकाल ही नहीं पा रहा हूँ। हाँ, मैं समझ सकता हूँ, मेरे और चीज के साथ कभी कभी ऐसा ही होता है, पर मैं संभल जाता हूँ। आगे बढ़ो, बल्कि उसे आज रात के डांस के लिए पूछो। आजकल पता नहीं, तुझे लगता है मुझे पूछना चाहिए? मतलब तुझे सुनकर शौक लगेगा, पर मुझे नहीं पता कैसे करना है। बल्कि इसके लिए तुम्हें जरूरत है एक एक्सपर्ट की सलाह की। हाँ, एक एक्सपर्ट। तो पूछो मेरे दोस्त। मेरे दोस्त बल्कि, हे, अब हमें जियो कैनन को पूरा करने के लिए एक ही चीज की जरूरत है, और फिर इससे एक ऐसी क्रायोजेनिक रे निकलेगी जो किंग मोंडो के रोबोट्स को जमा कर रख देगी। क्या कमाल का नजारा होगा वो, चलो जल्दी करो। मुझे अपनी लैब में जाकर क्रोमियम मैग्नेट लाना है और फिर वापस आकर हम इसे पूरा कर लेंगे, ठीक है? जैसा तुम कहो। जल्दी मिलता हूँ। तानिया, क्या मैं तुमसे एक मिनट बात करूं? ठीक है, जरूर एडम, क्या हम बाद में खेलें? ठीक है। मेरे एक दोस्त को लड़की के मामले में एक सलाह की जरूरत है। अच्छा, मुझे उसे जानना है कि लड़कियों को लड़कों में क्या बात अच्छी लगती है। वैसे सबसे जरूरी बात है, जैसे हो वैसे रहो बल्क। उससे बात नहीं बनेगी। तुम्हें किस तरह का लड़का पसंद है? मुझे तो सोफिस्टिकेटेड लड़के अच्छे लगते हैं। सोफिस्टिकेटेड? एकदम सूट बूट वाला। सूट बूट, समझ गया, थैंक्स। ये लो। हेलो मैडम,
बस ऐसे ही टहलने निकला था, सोचा आप भी मेरे साथ चाय लेना पसंद करेंगी, है ना बल्क मायर? तो क्या कहती हो, वैसे भी ये जगह बहुत ही बोरिंग है। लेफ्टिनेंट स्टोन कैसे हैं? आपको देखकर अच्छा लगा। चलो अब मैं अपने रास्ते जाता हूँ, आपका दिन अच्छा बीते। चलो आप टाटा। स्टोन, वो तुम्हारा ऑफिसर था ना? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जैसा कि तुम जानते हो, मैं ये ओछी हरकतें बर्दाश्त नहीं कर सकता, खासकर मेरी बेटी के साथ। देखना कि ऐसा फिर कभी ना हो। जी सर, ऐसा फिर कभी नहीं होगा सर। चलो तुम ये कर सकते हो, ये ठीक बात नहीं है। मेरी डैडी ने अपने खिलौने के साथ मजे करने के लिए पृथ्वी पर क्यों भेजा? क्योंकि तुम्हारे डैड जानते हैं मेरा मजा करने का तरीका कुछ ऐसा है। सही निशाना। अरे वाह, फिर से करो, मुझे बहुत मजा आया ना। अब दूसरा टारगेट ढूंढते हैं, कोई हिलता हुआ टारगेट। मुझे लगता है ज्यादा ढूंढना नहीं पड़ेगा। जरा सुनो तो, वो बंदा कैसा रहेगा? पावर रेंजर्स का होशियार साथी, परफेक्ट। अल्फा, मैंने क्रोमियम मैग्नेट ले लिया है और मैं जल्दी वापस आ रहा हूँ। तुम्हारे आने पर तुम्हें सब तैयार मिलेगा। लगता है अब वक्त आ गया है मजे करने का। अब देखते जाओ मेरा कमाल। हे बिली, हमारे साथ खेलोगे? पकड़ा उसे। जवाब दो बिली। मुझे इसी वक्त कमांड सेंटर टेलीपोर्ट करो। बस अभी रो बिली, टेलीपोर्टेशन सीक्वेंस शुरू हो रहा है अब। तो कैच, आज रात क्या पहनने वाली हो? मैं नहीं बताऊंगी, वक्त आने तो तुम खुद जान जाओगे। कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो भी पहनोगी अच्छी ही लगोगी। ओह हाउ स्वीट। कम ऑन रॉकी, लड़कियों को सेंसिटिव लड़के अच्छे लगते हैं। मैं तो कभी भी किसी लड़की के लिए शायरी वायरी या ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा। अरे हाँ, क्या? हाँ, शायरी। लड़कियाँ शायरी पसंद करती हैं। चल, मुझे इसमें तेरी मदद चाहिए, चल ना। मैंने कुछ भी नहीं किया, ये सब गलतफहमी है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं वहाँ गया था। मेरी जान, जाने जहान। इस तरह आने के लिए सॉरी बच्चे, चल निकल। एक काले से चूहे ने खाया एक प्याज, मुझे लगता है बड़ा ही प्यारा तुम्हारा अंदाज। क्यों? मैं तुम्हारे प्यार की विंडशील्ड पर बैठा हुआ हूँ एक मच्छर, तुम हो मेरी लॉन्ड्री का खोया हुआ एक बिल। बल्क मायर, तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हारा ये बर्ताव बिल्कुल ठीक नहीं है। तुम हो वो परी जिसने चुराया है मेरा दिल। तुम्हें डांस में ले जाकर खिलाऊंगा तंदूरी, चिकन। बहुत मार, तुम ये क्या कर रहे हो? लगता है हमारे जाने का वक्त आ गया है। हाँ, मुझे भी लग रहा है। रुको,
आखिर यहाँ पर यह सब क्या हो रहा है? मैं समझाता हूँ। कोई जरूरत नहीं स्टोन, इनका कमांडर होने के नाते मैं तुम्हारे इन ऑफिसर्स का जिम्मेदार सिर्फ तुम्हें मानता हूँ। मैं तुम्हें नौकरी से बर्खास्त करता हूँ। डैड नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। कर सकता हूँ और कर दिया है। अच्छा तो अगर लेफ्टिनेंट स्टोन जाएंगे तो हम भी जाएंगे। हेलो रेंजर्स, तो मेरे साथ खेलना चाहोगे? ये क्या हो रहा है, वो है क्या? मेरा नया खिलौना बड़ा ही मजेदार है, इन्हें दिखाओ। ओह नहीं, मुझे लग गई। तुम्हारे खेल हमें पसंद नहीं प्रिंस प्रॉकेट। अरे ये तो बुरी बात है। हाँ। माफ करने का वक्त आ गया। जियो रेंजर वन पिंक, जियो रेंजर थ्री ब्लू, जियो रेंजर फाइव रेड। अरे वाह, अच्छी कोशिश थी, पर आप मेरे नियमों से खेलेंगे। ऐसा क्या, अभी पता चल जाएगा। चलो उसे दिखा दे दोस्तों। और अब ये लो, हमें मदद चाहिए। एडम बोल रहा हूँ, हम मुसीबत में हैं। जल्दी यहाँ आ जाओ। अभी आते हैं, माफ करने का वक्त आ गया। जियो रेंजर टू येलो, जियो रेंजर फोर ग्रीन। कैथरीन तुम ठीक तो हो ना? ये चीज आई कहाँ से? प्रिंस प्रॉकेट, ये उसका नया खिलौना है। ओ लड़की, माना मैं एक खिलौना हूँ पर मैं खिलवाड़ नहीं कर रहा। दोस्तों तुम ठीक तो हो ना? टॉमी संभल कर, अब ये खेल खत्म करना होगा और प्रिंस प्रॉकेट को भी। आई आई आई, मेरे रेंजर्स मुसीबत में हैं, उन्हें मदद चाहिए। जियो कैनन इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। जरा जल्दी करो बिली, उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है। टॉमी फिक्र मत करो, मदद आ रही है। टॉमी यार ये बहुत ताकतवर है, लगता है पहला राउंड स्टार्टिंग से बी अ डॉट टीके। इसे खेलना चाहोगे? खेल तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम में से एक भी खड़ा है। टॉमी मैं तुम्हारे पास जियो कैनन भेज रहा हूँ, क्यों ना एक नया खेल हो जाए। जरूर एक नया खेल मैं जरूर खेलूंगा। जरा एक मिनट, अरे वाह तुम्हारे पास भी एक नया खिलौना है। चलो देखें ये क्या कर सकता है। जियो फाइव पावर सेल पावर अप, जियो फोर पावर सेल पावर अप, जियो थ्री पावर सेल पावर अप, जियो टू पावर सेल पावर अप, जियो वन पावर सेल पावर अप। जियो कैनन अब हमले के लिए तैयार है। एक्टिवेट। खेल खत्म हुआ स्प्रॉकेट। अरे ये अच्छी बात नहीं है, तुमने मेरा खिलौना तोड़ दिया। क्लैंक और बस उसे ठीक करो। मैं जानता था इन्हें हमारी मदद की जरूरत पड़ेगी, मैंने कहा था ना। कहा था, इसे भी अच्छा बनाओ। तो फिर जाओ और उसे बड़ा करो। उठने का वक्त हो गया। नहीं ये नहीं हो सकता। चलो उठ जाओ। सरप्राइज, अब देखता हूँ कौन मुझे हराता है। चलो हो जाए साथियों, हमें जियो सॉर्ट पावर की जरूरत है अभी। चलो हो जाए जियो मेगा सॉर्ट पावर अप। खेलना बहुत हुआ, अब कुछ काम किया जाए। खुशी से खिलौने के नाम पर एक भद्दे कलंक कहीं के। अब ये लो। अरे ये सब क्या है? चलो यहाँ से।
चुप रहो, तुमने उनको लाचार कर दिया है, अब उन्हें खत्म करो। बस अभी करता हूँ। यो, मेरे डॉक्टर ने मुझे आयरन खाने की सलाह दी है। मैं जीता, मैंने कहा था ना मैं जीतूंगा। मैं जीता। है सीओ मेगा बैटल जोर बनाने का। जरा मुझे देखो, मैं कमाल हूँ। वो क्या है? शुरू करो जियो मेगा बैटल जोर सीक्वेंस अभी। अब मुझे ये खेल अच्छा नहीं लग रहा। अब तुम्हें इससे और भी नफरत होगी बच्चों। फायर। बाय बाय। ये गलत है, उन्होंने मेरा खिलौना तोड़ दिया, मुझे नया खिलौना चाहिए। उसका ख्याल रखने का वादा करते हो तो दूंगा। और उसे उन टीनेजर से दूर रखना। अगली बार जब रेंजर्स से सामना होगा तो वो नहीं बचेंगे। हाँ, चलो सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। हाँ? देखो कितने खिलौने जमा हो गए हैं। रॉकी, जूते बहुत अच्छे हैं यार। थैंक्स, अच्छे सैंडल्स हैं। यकीन नहीं होता हमारे पेरेंट्स वाकई में ये पहनते थे। हे, टॉमी कहाँ है? यकीन नहीं होता लेफ्टिनेंट स्टोन की नौकरी चली गई। हाँ, अब वो हमसे नफरत करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारा एहसान मंद हूँ। वो क्या है, नौकरी से निकाले जाने से मुझे अपना असली सपना पूरा करने का मौका मिला है। वो क्या सर? आसान है मेरे प्यारे बल्क मायर, मेरी अपनी डिटेक्टिव एजेंसी। हाँ? और मुझे उसके लिए चाहिए कुछ अच्छे डिटेक्टिव। हाँ? तुम किसी को जानते हो क्या? मजाक कर रहा हूँ। तो क्या ख्याल है दोस्तों? जी सर। काश कि मैं कॉनी को समझा पाता, वो तो मुझे दुनिया का सबसे बड़ा उल्लू समझ रही होगी। बल्क, मैं तुमसे बात कर सकती हूँ? सुनो, मैं अपने बर्ताव के लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ करना। नहीं, मुझे माफ करना, मेरे डैड को ज्यादा ही ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं, इसीलिए तो मैंने भी जूनियर पुलिस पेट्रोल छोड़ दिया है। हाँ, सच में? हाँ, मैंने सिर्फ उन्हें खुश करने के लिए ज्वाइन किया था। चलो, हम दोनों जान गए हैं कि हमें वो नहीं करना चाहिए जिसके लिए हम नहीं बने हैं। बल्क मायर, क्या तुम मेरे साथ डांस करोगे? हाँ, क्यों नहीं, अच्छा आइडिया है मैडम, आपके साथ, तुम्हारे साथ। मैं जरूर डांस करना चाहूंगा। Yeah! 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 Yeah!